लाखी प्रखंड क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुधवार को एक निजी स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र दास और शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर रविकांत दास ने पौधा लगाकर लोगों से प्रकृति को बचाने का आह्वान किया। लोगों से सुरक्षित जीवन और पर्यावरण संतुलन के लिए पौधे लगाने और उनकी देखरेख करने की अपील की गई। वहीं लगाए गए पौधों की देखरेख का जिम्मा अलग अलग छात्रों को दिया गया। प्रोफेसर धर्मेंद्र दास ने बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए बीच लेखन सामग्री का वितरण भी किया, साथ ही पौधे का अच्छे से संरक्षण करने वाले छात्रों को आगे पुरस्कृत करने की बात कही। इस दौरान बच्चे, युवाओं से लेकर बड़े व बुजुर्गों ने लगाए गए पौधों को देख रेख करने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण, बढ़ रही पानी की कमी, गिरते भूजल लेवल, जल प्रदूषण संरक्षण और वनों की गुणवत्ता, जैव विविधता के नुकसान पर्यावरणीय मुद्दा भारत की प्रमुख समस्या है। स्कूल के छात्र व छात्राओं और कर्मचारियों से अपने नाम पर एक पौधा लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व पर्यावरण बदलाव के दौर से गुजर रहा है और हमें आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए हर वर्ष पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में तापमान की चपेट में बचना एक बड़ी चुनौती होगी। मौके पर प्रीति कुमारी, अंजलि कुमारी, आरती कुमारी, अर्चना कुमारी, प्रवीण कुमार, आशा कुमारी, कृष्णा कुमार, नेहा कुमारी, शिक्षक आरती कुमारी, पत्रकार राजमणि और पूजा कुमारी समेत अन्य लोग शामिल हुए। सर, सबसे पहले आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यहाँ आप लोगों के द्वारा पौधा लगाया गया है, बच्चों को दिशा निर्देश भी दिया गया है कैसे देखभाल करना है, कैसे पर्यावरण को जो है बचाना है, तो क्या मैसेज आपका है इस तरह का कार्यक्रम करके? देखिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के लगातार सरकार की भी योजनाएं चलती रही हैं जी, लेकिन धरातल पर उस तरह से दिख नहीं पाई। आज उसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज 40 से 45, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो है हम लोग तप रहे हैं जी। स्थिति ऐसी है, जो लोग घर से बाहर निकलते हैं लू का शिकार होते हैं, कई लोग मारे भी गए हैं। अब है कि इस सारी समस्याओं को निराकरण को लेकर के सबसे पहले लोगों में जागृति आनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। घर में लोग अगर एसी लगा करके रहते हैं तो घर से बाहर निकलते जरूर हैं, आवश्यकता पड़ेगी। कितने देर तक वो लोग जो एसी में रहते हैं कितने देर तक रह पाएंगे, आवश्यकता है कि इसको लेकर के खास करके वृक्ष का जो रोपण हो वो बड़े पैमाने पर हो, और उसकी एक शुरुआत इस गाँव से हुई है और हमारे छात्र छात्राएँ जो कि एक एक पेड़ सबके नामों से लगाया गया है, वह पेड़ का अपना संरक्षण खुद करे और उस पेड़ को जीवंत करे। और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो पेड़ जो बच्चा बचा लेंगे, मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा आने वाले समय में जी, उनको पुरस्कृत करेंगे आने वाले समय में यदि पेड़ बचा लेंगे तो जी जी सी। आगे क्या कहेंगे जो जितने भी स्कूल है, संस्थाएं हैं, वो लोग भी अपने माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा है कि धरातल पे नहीं दिखता है, ठीक है, जैसे पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका देखभाल कैसे होगा? देखिए, यही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरा तो प्लान चल रहा था कि इस बार जैसे चुनाव आई है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हैं, मेरा जो प्लानिंग चल रहा था कि विफल रहा हूँ मैं। मेरा प्लान ये था कि सभी जनप्रतिनिधि कम से कम 10 पेड़ हर एक गांव में लगा के जाए और उसका संरक्षण करके दिखाए, फिर मैं उसको वोट करूँ। अच्छा। लेकिन जनता जागरूक नहीं है, जनता पार्टी की ओर भागती है, जात की ओर भागती है, और ग्लोबल वार्मिंग का जो है शिकार अभी जनता खुद हो रही है। इसकी धरातल पर जो है ना, इसमें कहा जाए तो जनता ही दोषी है, और प्रयास किया जाए। अब फिर विधानसभा की चुनाव है, जो भी जन प्रतिनिधि आते हैं प्रत्येक गांव में कम से कम 10 पेड़ उसके हाथों से लगवाइए, ठीक है, और उसका संरक्षण वही आदमी करे, तब जाकर को उसको वोटिंग कीजिए, ताकि हम लोग इस गर्मी के इस तापमान से बच पाए। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मैं तो खुद और हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे शायद मुझे नहीं लगता है कि वो जी पाएंगे, और मुझे लगता है इस गर्मी के कारण सृष्टि का विनाश संभव होगा। आपका परिचय? मेरा नाम प्रोफेसर धर्मेंद्र दास। बताएंगे सर, आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे आपके विद्यालय में जो है पौधारोपण किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? सर, आज के विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। और आज यह पर्यावरण दिवस को जो हमारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर जो पौधारोपण किया गया है, और हमारे बच्चों को एक नेतृत्व में एक दिया गया है, सभी सारे बच्चे उस पेड़ पौधे को देख रहे हैं जी। और हमसे ये मैसेज अपने समाज में देना चाहते हैं कि सभी एक एक पौधे अवश्य लगाएं, एक एक पौधे अवश्य लगाएं।
तो इन बच्चों के बीच कॉपी पेन का भी लेखन सामग्री का भी वितरण किया गया है जी। किनके द्वारा किया गया है? यह लेखन सामग्री वितरण हमारे प्रोफेसर धर्मेंद्र दास के द्वारा किया गया है बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। जी जी। तो क्या कहेंगे, समाज को क्या कहेंगे, आज जो इतनी गर्मी पड़ रही है, जूझ रहे हैं लोग, पौधा नहीं लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा यही संदेश रहेगा, सभी समाज में कहना चाहता हूँ कि सभी यहाँ पर एक एक पौधे अपने अपने जीवन में एक एक अपने एक एक पौधे अवश्य लगाएं। अवश्य लगाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविकांत कुमार दास हुआ है। यही घर है जी, मनोहरपुरा। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। आज यहाँ पे विश्व पर्यावरण के अवसर पे जो है यहाँ पौधा लगाए हैं, क्या कुछ सर लोगों के द्वारा आप लोगों को निर्देश दिया गया है? हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि पर्यावरण दिवस पर पेड़ पौधा का देखभाल करने के लिए। अच्छा, पौधा लगाए हैं यहाँ पे, उसका देखभाल करेंगे। कितने लोग का टीम बनाया गया है? कितने लोगों का? 5 लोगों का। 5 लोगों का बनाया गया है। सब लोगों को अपनी अपनी पौधा बताया गया है कि देखभाल करना है। जी सर। क्या कहेंगे इस अवसर पे और अन्य छात्रों से? यह कहना चाहते कि वो भी अपने विद्यालय में पेड़ लगाए। मतलब वो भी अपने विद्यालय में पेड़ लगाए और देखभाल करें। चलिए धन्यवाद।